बिजी से डायरेक्ट हम ईमेल कैसे करते हैं? तो बिजी से डायरेक्ट ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले हमको मेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। मेल की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर ऑप्शन है ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमको कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना है, हम यहाँ पर आ जाएंगे। SMTP सर्वर के अंदर हम टाइप करेंगे smtp.gmail.com। सर्वर कोड डालने के बाद यहाँ पर पोर्ट कोड ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यूज़र नेम के अंदर हम अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी हम वही डालेंगे जिससे हम ईमेल भेजना चाहते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद सेंडर्स इंफॉर्मेशन के ऊपर आ जाएंगे। फ्रॉम में हम अपना नाम या अपनी कंपनी का नाम डालेंगे। रिप्लाई टू में हम वापस से अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद ऑप्शन है ईमेल हेडर और ईमेल फुटर। ईमेल हेडर में हम ग्रीटिंग्स वगैरह डालते हैं और ईमेल फुटर में हम थैंक्स, अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम बता देते हैं। ये सब डालने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम अपनी मेल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हम अपने मेल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के ऊपर आएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, इस ऑप्शन को हम ऑन कर देंगे। वापस से बिजी के ऊपर आएंगे, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से ओपन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है टेस्ट योर अकाउंट सेटिंग्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होगा, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज पॉपअप होता है तो इसका मतलब है कि हमारी ईमेल सेटिंग सक्सेसफुली हो गई है। अब जानते हैं कि ईमेल हम कैसे भेजते हैं। किसी भी बिल को हम ओपन कर लेते हैं। ये बिल है हमारे पास। यहाँ पर हम प्रेस करेंगे ऑल्ट पी, सेल्स इनवॉइस को हम सिलेक्ट करेंगे, इनवॉइस फॉर्मेट को हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ईमेल, इसको ओपन करेंगे। सेंड रिपोर्ट एज, हमारा PDF सिलेक्ट है। इसके बाद टू के अंदर हमारी पार्टी की ईमेल आईडी आ गई। ईमेल आईडी यहाँ पर हमारी ऑटोमेटिक कैसे आई? तो जब हम किसी भी पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर हमको एक फील्ड मिलती है ईमेल आईडी की। अगर हम इसको अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही बता देते हैं, इसके बाद जब हम उस पार्टी को ईमेल भेजते हैं तो यहाँ पर हमको बार बार ईमेल आईडी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ऑप्शन है CC का। तो अगर आप इस पार्टी के साथ साथ किसी और को भी इस बिल को शेयर करना चाहते हैं तो वो सेकंड ईमेल आईडी हमारी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है ईमेल का सब्जेक्ट, इसको आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है ईमेल का हेडर और फुटर। तो जो हमने ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त हेडर और फुटर को बताया है वो हर मेल में यहाँ पर अपने आप आता जाएगा। इसको हम चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, मेल हमारा सेंड हो जाएगा।